नमस्कार। आज की वीडियो आपको बेबी स्वेटर का मैं बटन पट्टी बनाना बताऊंगी। तो बेबी स्वेटर के लिए बटन पट्टी कैसे बनाते हैं और फंदे कैसे डिवाइड करेंगे वो आपके साथ शेयर करूंगी। लेफ्ट पार्ट की साइड की वीडियो, साथ में आपको बटन होल इसमें सीखने को मिलेगा कैसे रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इतना मैंने ये पार्ट जो है बना लिए हैं। अब शोल्डर की कटिंग करनी है और गले की बटन पट्टी साथ में बनानी है लेफ्ट पार्ट की। तो अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल है। तो अगर आप नए नए स्वेटर बनाना सीख रहे हैं तो आप इस तरीके से गला जो है कॉलर वाला भी बना सकते हैं और गोल भी बना सकते हैं, वो आपको मैं बताती रहूंगी बीच बीच में। तो आपने सारी वीडियो जो है ध्यान से देखनी है। ये मैंने फ्रंट पार्ट तैयार कर लिए हैं, बॉर्डर बनाया है मैंने सीधे और उल्टे फंदे का, और बॉर्डर में रखे हैं मैंने 76 फंदे। 76 फंदों से मैंने स्टार्ट किए हैं बॉर्डर को बनाया है मैंने। तो बॉर्डर जो है 76 फंदों से मैंने बनाना स्टार्ट किया है और 12 नंबर की सिलाई में बॉर्डर को बनाया है। तो बॉर्डर देख लीजिए आप, यहाँ पर मैंने 12 नंबर की सिलाई यूज़ की है और 76 फंदे डाले हैं। 76, 76 फंदे। इसके बाद कोई फंदा नहीं बनाया है। 2 साल के बेबी के लिए स्वेटर जो है बना रही हूँ, 2 ढाई 3 साल के बेबी को आ जाएगा ये। इसके ऊपर मैंने 10 नंबर की सिलाई लगाई है। और ये जो टेडी बनाया है ये भी मैंने अपने चैनल में इसकी वीडियो डाली है, आप मेरे चैनल को ओपन करके देख सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल बनाई है बाकी सारी स्वेटर, सिर्फ टैडी ही बनाया है। तो आप धारियां जैसे बना सकते हैं, 2 कलर की बनाना चाहते हैं अगर आप बिगनर हैं तो, सिंपल सिंपल आपकी स्वेटर जो है बनके रेडी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अब यहाँ पर देखिए फंदों को डिवाइड कैसे करना है। तो जितने भी फंदे आपने डाले होते हैं उसका हाफ कर लेना है आपने। जैसे ये 76 फंदे हैं, इसका हाफ 38 हुआ, 36 फंदे। तो काउंट करके आपको बता देती हूँ मैं, यहाँ पर हैं 36 फंदे और दूसरी साइड भी 36 फंदे हैं, 38 फंदे, 76 का हाफ। तो जो भी आपने जिसके लिए भी बनाना है, अगर इस तरीके से आपने बटन पट्टी रखनी है तो आपने हाफ कर लेना है जितने भी आपके फंदे होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये फंदे मैंने हाफ जो हैं बना लिए हैं यहाँ तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये हाफ फंदे हैं। तो मैं मार्कर लगा लूँगी ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, आप बिगनर हैं तो आप आसानी से बना सकें। देखिए 6 फंदों की बटन पट्टी बनाऊंगी, तो 3 फंदे एक साइड से लेंगे और 3 फंदे दूसरी साइड से लेने हैं। तो 3 फंदे से पहले मैंने यहाँ पर मार्कर लगा दिए हैं। अब अगले 3 फंदे इसके बाद मार्कर लगाना है। तो 3 फंदे मैं राइट नीडल में ले लेती हूँ, यहाँ पर मार्कर लगा लूँगी। फिर से ये फंदे हमारे लेफ्ट नीडल में जाएंगे क्योंकि ये बटन पट्टी जो है यहाँ पर बनानी है। अगर आपने 8 फंदों की रखनी है तो आपने 4 4 फंदे लेने हैं। 6 फंदों की रखूंगी, छोटे बच्चे का है तो 3 3 फंदे रखे हैं। और जिस तरीके से बॉर्डर बना है उसी तरीके से बटन पट्टी बनाएंगे। अगर आपका बॉर्डर उल्टे उल्टे फंदों का है तो ये फंदे भी उल्टे बनेंगे, अगर बॉर्डर सीधा उल्टा है तो ये भी सीधे उल्टे बनेंगे। यहाँ पर देखिए बॉर्डर जो है उल्टा और सीधे फंदों को बना है, तो बटन पट्टी भी सीधे और उल्टे फंदे की बनेगी। अगर बॉर्डर आपका उल्टे उल्टे फंदों का है तो बटन पट्टी भी उल्टी ही बुनी जाएगी। तो आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए 6 फंदे हैं, तो ये 3 फंदे जो मैंने बना लिए थे क्योंकि हाफ किए था आपको दिखाने के लिए, इन्हें फिर से लेफ्ट नीडल में मैंने ले लिए हैं फंदों को। तो ध्यान दीजिए बीच में हमारे 6 फंदे हैं और साइड में हमारे फंदे बराबर होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। 6 फंदे बीच के हैं तो 35 एक साइड है फंदे और 35 दूसरी साइड है, 35 35 फंदे 70 और 6 फंदे 76। तो बटन पट्टी का फंदा एक उल्टा 6 फंदों में से,
राइट साइड है, देख लीजिए, एक फंदा सीधा, ऊन अपनी साइड एक उल्टा, ऊन दूसरी साइड एक सीधा, फिर से ऊन अपनी साइड एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा। अब अगले फंदे नहीं बनाने हैं, यहां से आपने टर्न ले लेना है। अब जो फंदा सीधी साइड से उल्टा बुना है उसे सीधा बुनेंगे, जो सीधा बुना है उसे उल्टा बनेंगे। छह फंदे जो हैं बटन पट्टी के, पहला फंदा उतार लिए, धागा पीछे, ये उल्टा बुना है इसे सीधा बुनेंगे। एक सीधा, ऊन अपनी साइड एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा, छह फंदे हमारे बन गए हैं। ऊन अपनी साइड, ये मार्कर उतार लेंगे। अब बाकी के फंदे जो हैं जैसे बुनाई डाल रहे हैं वैसे बना लेंगे। तो मैंने ये सिंपल बना रही हूँ स्वेटर, तो इसमें सभी फंदों को उल्टा बना लूंगी लास्ट तक। सभी फंदों को उल्टा बना लिया, अब यहाँ से टर्न लेंगे। अब साथ में शोल्डर की कटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। तो बटन पट्टी हमने स्टार्ट कर ली, अब शोल्डर की कटिंग करेंगे 3 2 1 की, क्योंकि बैक पार्ट में भी 3 2 1 की है, छोटे बेबी का है। तो आपने बैक पार्ट पहले बनाना है और लेंथ आपने देख लेनी है कितनी रखनी है। तो लेंथ पूरी हो चुकी है, दो फंदों का एक बुना, अगला फंदा फिर से बुना और पिछला फंदा इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया दो, और नेक्स्ट फंदा बुना, पिछला इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया 3। तो हमारे यहाँ पर 1 1 2 3 तीन फंदे हमारे कम हो चुके हैं। तो तीन फंदों की कटिंग जो है हो गई है, बाकी के फंदे सीधे बना लूंगी यहां तक और अगले फंदे बटन पट्टी जैसे बना लेंगे। तो मैंने ये सीधे फंदे बना लिए हैं, अब मार्कर इस साइड लेके आऊंगी और ये बटन पट्टी यहां से स्टार्ट है। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एक फंदा सीधा, ये बना ली बटन पट्टी। यहां से टर्न होंगे, पहला फंदा उतारा, धागा पीछे, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा बना लेंगे। मार्कर को दूसरी साइड लेके आएंगे और बाकी के फंदे जो बुनाई आप डाल रहे हैं तो मैं उल्टे बना लेती हूँ लास्ट तक। फिर से सीधी साइड, अब हमने यहाँ पर दो फंदों की कटिंग करनी, पहले 3 घटाए थे अब 2 घटाने हैं। तो दो फंदों को एक किया, एक फंदा घट गया, सेकंड फंदा फिर से बुना, पिछला फंदा इसके ऊपर गिरा दिया। तो दो फंदे हमारे यहाँ पर कम हो चुके हैं, बाकी के फंदे सीधे बना लूंगी और बटन पट्टी को बटन पट्टी जैसा बना लूंगी। फिर से यहाँ से टर्न होंगे, ये मार्कर निकाल सकते हैं आप, पता चल जाता है ये थोड़ा बड़ा बन गया है, यहाँ से टर्न ले रहे हैं तो इसे मैं निकाल दूंगी। पहला फंदा उतारा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा और एक सीधा बना लेंगे। बटन पट्टी बना ली है, मार्कर राइट साइड में लेके आएंगे, बाकी के फंदे उल्टे बना लूंगी। अब देखिए, एक फंदा घटाना है, दो फंदों का एक कर देंगे तो एक फंदा कम हो गया है। देखिए 3 2 1, 3 2 1 की कटिंग कंप्लीट हो गई है, बाकी के फंदे जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे बना लेंगे। अब इस साइड से कोई भी फंदा नहीं घटाना है, 3 2 1 की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब गले की साइड से ही बनाना है, तो सीधे फंदे मैं सीधे बना लूंगी
और बटन पट्टी जैसा बना लूंगी। ये देखिए इस साइड का शोल्डर की कटिंग कंप्लीट ऐसे हो चुकी है। अब ये लेंथ पूरी होने तक बनानी है स्वेटर। जितनी इसकी लेंथ रखी है उतनी बना लेनी है। गले की कटिंग जो है साथ साथ में चलती रहेगी। देखिए इतना बनाने के बाद आपने गले की कटिंग जो है स्टार्ट करनी है। घटाई के बाद अपना हाथ ऐसे रखेंगे और इस तरीके से चार उंगल बनाने के बाद गले की कटिंग ऐसे बनेगी। अगर आप इंच टेप से नापते हैं तो 2 इंच तक होगा कटिंग के बाद, उसके बाद गले की घटाई डालनी है। तो सिंपल तरीके से ऐसे ही नाप सकते हैं, आप बिगनर हैं तो आपने ऐसे ही नाप लेना है। एक हाथ अपना रखेंगे, चार फिंगर आएंगे ऐसे, इतना बना लेना है इस साइड से। ये देखिए ऐसे, फिर हमने गले की कटिंग डालनी है। तो बटन होल रखने हैं, आप 2 भी रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर बटन होल रखेंगे अब। तो यहाँ पर मैंने देखिए 1 इंच तक बना लिए हैं, 1.5 इंच तक, 1.25 इंच तक है, 1.5 से कम है थोड़ा सा। 9 सिलाइयाँ मेरी बन चुकी हैं दोनों साइड की काउंट करेंगे तो। ये 9th रो है। अब यहाँ पर बटन होल रखना है। तो एक फंदा उल्टा बुना, 6 में से एक सीधा बुना। अब यहीं पर रख दूंगी बटन होल, क्योंकि साइड में रखेंगे हाफ हाफ करके तो ज़्यादा कोने में आ जाता है, वो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा अंदर की साइड में बटन होल रखूंगी। तो 2 फंदे ही बनाए हैं 6 में से, तो एक हमारा एच स्टिच है ये, और 3 फंदे ही बचते हैं फिर। तो 2 एक साइड कर लिए, ऊन अपनी साइड करेंगे। देखिए उल्टा फंदा है आ गए, तो बटन होल कैसे बनाना है उल्टे फंदे के साथ। ऊन देखिए इस तरीके से आगे लाएंगे। सीधा फंदा होता तो ऐसे ही बना लेना है जाली डाल के, तो ये उल्टा फंदा है तो ऐसे राउंड कर लेंगे पहले। तो हमारी यहाँ पर जाली बन गई। अब ये फंदा उल्टा बनाना है, तो यहाँ पर फंदा बढ़ गया है और बटन होल भी बन गया है। इस फंदे को घटाना भी है, उल्टी रो में घटाएंगे। तो सीधा फंदा सीधा, उल्टा फंदा उल्टा, और लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। अब उल्टी साइड में आ गए, पहला फंदा उतारा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक उल्टा, एक फंदा सीधा, 4 बना लिए, एक उतारा और 3 फंदे बुने, टोटल 4। ये जाली है, फंदा बड़ा है तो नेक्स्ट उल्टा फंदा है, दोनों को इकट्ठा बुनेंगे एक साथ। तो 2 का 1 हो गया, तो हमारा फंदा घट गया है और यहाँ पर बटन होल भी बन गया है। बाकी के फंदे जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे ही बना लेना है। मेन बात यही कि आपने फंदा जो बढ़ाया है वो कम भी करना है, नहीं तो आपका ये गड़बड़ हो जाएगा, आपके फंदे फिर बढ़ते जाएंगे। सीधी साइड में आ गए हैं, उल्टा फंदा उल्टा, सीधा सीधा, 3, 4, 5 और ये 6। आपने काउंट करके फिर सीधी साइड से बनाना है, क्योंकि 6 के 6 फंदे रहने चाहिए। यहाँ पर बटन होल बन चुका है, टोटल हमारे यहाँ पर 6 फंदे ही रहने चाहिए, क्योंकि पिछली रो में हमारे 7 फंदे हो गए थे। उल्टी साइड में फंदा कम करना बिल्कुल ना भूले, नहीं तो आपकी बटन पट्टी जो है खराब हो जाएगी। तो ऐसे आपने बटन होल बना लेने हैं थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद। और इस साइड की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो 1.5 इंच तक बना लूंगी मैं, 1.5-2 इंच जितना भी बनता है, उसके बाद बटन होल रखूंगी। तो ये देखिए मैंने बना लिया है इतना, और यहाँ पर ये बटन होल मैंने बना ली है 1 और ये 2, 2 बटन होल बन चुके हैं गैप के बाद। तो मैं ये कॉलर वाला नेक बनाऊंगी, तो मेरे साथ आप
बने रहिए। तो पार्ट बाय पार्ट दो तीन पार्ट इसके मैं डाल दूंगी, तो मेरी वीडियो देखते रहिए। तो अब देखिए क्या करना है, आप ऐसे ही बना सकते हैं जैसे पिछला पार्ट आपने ऐसे रखा। ये जो कटिंग की है दोनों साइड की, 3 2 1 की है, इन्हें मिला कर रखेंगे ऐसे। तो ये देखिए कटिंग मैंने बताई थी आपको कि आपने ऐसे अपना हाथ रखना है, एक दो सिलाइयाँ कम हो तो भी चलेगा। ये देखिए ऐसे, और इतना ही ऊपर रहेगा, ये हमारी गले की गोलाई आएगी। तो अगर आप इंच टेप से नापेंगे तो आपने 2.5 इंच तक रखना है ऊपर, तो आपका गला उसमें बन जाएगा। अभी इतना रहता है बनाने को, तब हमने कटिंग को स्टार्ट कर देना है बनाना। अब देखिए क्या करेंगे, बटन पट्टी के फंदे जो हैं इन्हें बाइंड ऑफ कर लेना है। 6 फंदे बाइंड ऑफ कर लेंगे। ये 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के बाइंड ऑफ हो चुके हैं, ये देखिए 6 फंदे बाइंड ऑफ हो चुके। अगर आप गोल गला बना रहे हैं और बटन पट्टी के साथ बनाना चाहते हैं तो इन्हें पिन अप कर लेना है, पिन में रख लेना है ये अलग से धागे में, फिर बाद में गले के फंदे जब उठाते हैं तब आपने उन्हें उठा लेना है उन फंदों के साथ, तो आपका ऊपर तक जो है ये बनता जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं रखूँगी 18 फंदे शोल्डर के, तो यहाँ पर मैंने मार्कर लगा लिए हैं। और ये जो फंदे बचते हैं हमारे इन्हें घटाना है। तो कटिंग जो है आप देखिए 4 3 2 1 की यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर बड़े की बना रहे हैं तो आपने 5 4 3 2 1 की कटिंग डालनी है। फिर एक एक फंदा घटाते जाते हैं शोल्डर के फंदे रहने तक, और बाकी लेंथ पूरी होने तक बना लेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, 6 फंदे तो हमारे बटन पट्टी के हैं, उन्हें साइड में रखेंगे क्योंकि वो कटिंग में चले गए। अब गले की घटाई साथ में ही डाल दूंगी। अगर आप ये रो उल्टी बना लेंगे और सीधी, तो अगली नेक्स्ट रो में भी घटा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 4 फंदे घटा लिए हैं गले के, 2 का 1 बनाते गए तो टोटल 4 फंदे हमारे यहाँ पर घट गए हैं। तो बाकी के फंदे जो हैं उल्टे बना लूंगी और सीधी साइड से सीधे बना लूंगी। फिर से सीधी साइड, ये मार्कर जो है ये निशानी रखी है मैंने ताकि कितने फंदे हमने घटाने हैं उनका ध्यान रहे। बटन पट्टी जो है हमने घटा दी है, वो अब नहीं बनानी है। फिर से उल्टी साइड, 2 फंदों का 1 बनाएंगे। पहले 4 फंदे घटाए थे, अब 3 घटाने हैं। 1 घटा, फिर से 2 का 1, 2, फिर से 2 का 1, 3, फिर से अगले फंदे जो हैं उल्टे बना लेंगे। तो पहले 4 फंदे घटाए, फिर 3 घटाए, आप फिर से उल्टी साइड में 2 का 1, 1, फिर से 2 का 1, 2, 2 फंदे घट चुके हैं, बाकी के फंदे जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे बना लेंगे उल्टे उल्टे और सीधी साइड से सीधे। अब एक ही फंदा बचा है, 2 का 1 कर लिया, बाकी के फंदे उल्टे और सीधी साइड से सीधे। अब एक फंदा घटाया है, 4 3 2 1 की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब एक फंदा बचा है, नेक्स्ट रो में 2 का 1 करेंगे। फिर से देखिए उल्टी साइड में ये मार्कर को अब निकाल दूंगी क्योंकि 2 फंदों का 1 करना है, अभी एक फंदा बचता है इस साइड, तो 2 का 1 कर दिया और बाकी के फंदे उल्टे बना लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो ये 18 फंदे मैंने बना लिए हैं। अगर आपने 16 रखने हैं तो 2 फंदे आप नेक्स्ट 2 रो में कम कर सकते हैं।
सीधी साइड से सीधा बना लूंगी। ये देखिए यहाँ की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, गले की भी और शोल्डर की तो पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे सीधा ही बनाना है लेंथ पूरी होने तक। अब कोई फंदा आपने नहीं घटाना है। देखिए इस तरीके से रखेंगे तो ऊपर रहता है अभी 1.5 इंच तक कम से कम, इसे मैं बना लूंगी। अब कोई फंदा ना घटाना है ना बढ़ाना है, आपने सीधा सिंपल बनाते जाना है शोल्डर की लेंथ पूरी होने तक। तो ये देखिए मैंने बना लिए हैं, कंप्लीट हो चुका है ये लेफ्ट पार्ट बेबी स्वेटर का कटिंग, और साथ में बटन पट्टी और साथ में बटन होल। तो बैक पार्ट के साथ इसे नाप लेंगे। तो देखिए नापना कैसे है, आपने ऐसे नहीं नापना है सीधा सीधा, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाता है। तो कैसे नापेंगे देखिए, उल्टी साइड जो है बाहर की ओर रहेगी दोनों की, और सीधी सीधी साइड अंदर की साइड रहेगी। और ऐसे नापना है जहां से कटिंग की है, इस तरीके से नापेंगे, ऐसे नहीं नापेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो देखिए छोटा बड़ा आपको लग रहा है तो इसी तरीके से आपके फिर गड़बड़ हो जाएगी। कोई भी स्वेटर बना रहे हैं आपने, ऐसे दूसरी साइड का ऐसे नापना है, सीधी सीधी साइड अंदर रहेगी और उल्टी उल्टी दोनों की बाहर की साइड रहेगी। देखिए ऐसे नापेंगे, ये जो कटिंग की है बराबर रखेंगे पकड़ के, और दूसरे हाथ से सीधा करते जाएंगे दोनों साइड पकड़ के, हल्का सा आपने खींचना बिल्कुल नहीं है, बराबर करते जाएंगे और ऐसे नाप लेंगे। तो बिल्कुल बराबर आने चाहिए, तो बिल्कुल बराबर है, तो ये कंप्लीट हो चुकी है। तो ये लेफ्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आगे की वीडियो जो है नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगी, कैसे हमने दूसरी साइड की बटन पट्टी को बनाना है, साथ में राइट पार्ट के नेक की कटिंग करनी है। तो वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, बेल के बटन को प्रेस करें। थैंक यू।